नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपाली। पूर्णिया में एक बार फिर से अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बाईसी में RWG की सड़क पर लगने वाले अवैध दुकान व मकान पर अंचलाधिकारी और BDO की अगुवाई में JCB चलाया गया है। अतिक्रमण कर सड़क पर कब्जा जमाए लोगों के बीच हड़कंप मच गई। संवेदक को काम करने में परेशानी आ रही थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। इसको कह रही है, उसको गाली दिया है। बाद का फोन कर रहा हूँ। कटेगा आपका आज हम लोग पुराना गंज गए हुए थे, वहाँ RWD सड़क के अतिक्रमण का मैटर था। आज हम लोग खाली कराए हैं। ऐसा देखा गया कि कुछ कच्चे मकान के साथ साथ पक्के मकान भी हटाया गया। हाँ, अस्थाई भी था और अस्थाई अतिक्रमण दोनों प्रकार का था वहाँ। तो जो भी मकान हटाया गया उनका अगर जमीन नहीं है तो उनको क्या सरकार जमीन मुहैया? नहीं नहीं, सबके पास जमीन था। वो हम लोग पहले जाँच कराए हुए थे। सड़क के बगल में ही उनका निजी ज़मीन है, वो निजी ज़मीन छोड़ करके सड़क के ज़मीन में पक्का बना लिए थे। तो जो भी उनका नुकसान हुआ, क्या उनका भरपाई हो पाएगा या फिर अपना? अतिक्रमणकारी को नुकसान का भरपाई नहीं ना किया जाएगा, उससे दंड, उस पर दंड आरोपित किया जाएगा। कितने लोगों जो लागत खर्च है उसकी वसूली की जाएगी। कितने ऐसे अतिक्रमणकारी हैं जिसका दंड हुआ? वहाँ पर 3 पक्का था, बाकी अस्थायी अतिक्रमण था। नहीं, ये सरकार का अभियान है और ये चलता रहेगा। अतिक्रमणकारियों को हम लोग बार बार सचेत भी कर रहे हैं कि आप अतिक्रमण नहीं करें। नहीं तो वो अस्थाई नेचर का है, वो तो हम लोग कराते रहेंगे हमेशा। इसके बाद कहाँ का आगे जहाँ भी अतिक्रमण का हम लोग को सूचना मिलेगा वहाँ कार्रवाई की जाएगी। अब तक कितने दूर तक अतिक्रमण हो पाया, कितने किलोमीटर? नहीं, अभी जहाँ मेन हमारा बाईसी बाजार था वहाँ हम लोग अतिक्रमण खाली करा दिए हैं। जहाँ भी हम लोग को शिकायत मिलेगी वहाँ हम लोग जाँच करा करके विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। नहीं आ रहा है, जैसे भी ठीक नहीं। अंदर से तोड़ो ना, अंदर से तोड़ो ना।